प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सीओ तिराहे पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में सीओ तिराहे पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे और बगैर हेलमेट बगैर सीट बेल्ट लगाए लोगों को फूल मालाएं पहनाकर व फूल देकर जागरूक किया। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रेम ग्रोवर ने कहा कि लोग मोड़ पर दोनों साइड देखकर अगर गाड़ियों को चलाएं तो दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि उनके घर पर उनकी माँ बाप भाई बहन बीबी बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 17 जुलाई से 31 जुलाई तक यातायात सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिस पर तीन सवार या दोपहिया वाहनों पर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना लोगों के लिए जोखिम है। देश भर में दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक लापरवाही की वजह से किसी न किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं। व्यापार मंडल इस ओर लोगों को जागरूक कर रहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। जिला महामंत्री प्रभात कृष्णा ने कहा कि पूरे साल में लोगों को समय समय पर यातायात नियमों का पालन कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहे। व्यापार मंडल का तो पहले से भी सहयोग रहा है ट्रैफिक के लिए, यातायात नियमों के लिए। आप लोग जागरूक करते हैं, हम भी लगे रहते हैं, और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जागरूक जितना ज़्यादा होते रहेंगे इतनी ही दुर्घटना कम होती रहेंगी। व्यापार मंडल चंदोशी में भी और भी हर जगह ही जो है बड़ा सहयोग करते हैं, और काम है समाज के हर आदमी का काम है जागरूक करने का। जब जागरूक होगी पब्लिक तो एक्सीडेंट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आज आपने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया है, क्या कहेंगे? आज ये शासन की तरफ से जो है 17 जुलाई से 31 जुलाई तक यातायात सप्ताह चल रहा है, इसको लेके आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने लोगों को जागरूक किया है कि वो ट्रिपल सवारी ना करें और बगैर हेलमेट की जो है वो सवारी ना करें, क्योंकि आदमी को स्वयं अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, अपना जो है वो हेलमेट लगा के चलना चाहिए। इसके अलावा कार जो ड्राइव कर रहे हैं बगैर सीट बेल्ट के कार ड्राइव ना करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल ना करें, इससे जो है वो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। इन्हीं सब बातों को लेके आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने यहाँ सीओ तिराहे पर जो है वो जागरूकता अभियान चलाया है, यातायात जागरूकता अभियान। उसमें हमारे ये ट्रैफिक के लोगों ने भी जो है साथ दिया है, और इन्होंने लोगों से फूल मालाएं पहनाकर और उसको लेके जागरूक किया। नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कृष्णा है। व्यापार मंडल में क्या पद है आपका? जिला महामंत्री हूँ मैं अखिल भारतीय व्यापार मंडल का। लोगों ने जो यहाँ यातायात नियमों को पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया है, इस संबंध में क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर ये दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल अप्रोच होती है, और जब तक मैं तो कहता हूँ कि पूरे हफ्ता नहीं बल्कि कम से कम साल में 6 महीने जनता को जागरूक करने के लिए, हमको सड़क पर चलने के लिए, यातायात सुविधाओं के लिए जागरूक करना बहुत अति आवश्यक है। कोई भी गांव हो या शहर हो, जो भी गांव की पगडंडी गलियां मेन रोड पर हाईवे पर आती है, कोई सिस्टम नहीं होता, वो निकल के आता है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। हमारी इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों में जागरूकता करें और वो समझें कि कैसे यातायात के नियम होते हैं। अभी हमारे देश में किसी पब्लिक को तो मालूम कि डंडे जो लाइन होती है उसका क्या मतलब होता है, जो लाइन फुल होती है उसका क्या मतलब है, जो लाइन कटी हुई है उसका क्या मतलब है, स्टॉपेज का क्या मतलब है। जब तक हम इस चीज़ को ये अवेयरनेस केवल पब्लिक तक नहीं होनी चाहिए, ये स्कूल तक कॉलेज तक हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए कि हमारी हमारे जीवन में यातायात का कितना महत्व है, जो सड़क जो चलने के लिए है वो किस तरीके से हमको चलना चाहिए। जब मोटरसाइकिल है हमेशा लाइन से क्रॉस चलनी चाहिए, लेकिन वो लाइन के अंदर चलती है और वही एक्सीडेंट अप्रोच बनाती है। हमारा अभियान सिर्फ एक उद्देश्य है इस अभियान का कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। आज आपने यातायात नियमों का पालन कराने के लोगों को माला पहनाई है, और क्या कहेंगे? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो थोड़ी दूरी के लिए जा रहा हो हेलमेट पहनना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उसके घर पे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माँ है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी वाहन
तो दूसरी में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। कोई भी वाहन जब मोड़ से आगे बढ़े तो एक सेकंड या दो सेकंड इंतजार करे कि इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है। एक मिनट इंतजार करके जब वो मोड़ेगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति चलाने वाला इस दो सेकंड का इंतजार करे, दो सेकंड का, समझे, और तो वो हमें ये एक्सीडेंट कोई भी नहीं होगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मेरी ये सलाह मानी गई तो एक्सीडेंट ना के बराबर होगा।